नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार में एसटेट का रिजल्ट जारी, 37,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। यहां देखिए पूरी रिजल्ट। मुखिया चुनाव में दरोगा और इंस्पेक्टर को दिए जाएंगे 500 रुपये। जानिए ASI और ड्राइवर को कितना मिलेगा। पटना में जमीन खरीदना हुआ और महंगा, 50% तक बढ़ेगा रजिस्ट्री चार्ज। पंचायत चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने EVM विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा। इलेक्ट्रिक बस का न्यूनतम किराया 10 रुपया हुआ, अब गर्मी में AC बस का मजा ले सकेंगे पटनावासी। अब बिहार में गांवों के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में मिलेगा LED बल्ब। 15 मार्च को भोजपुर से होगी शुरुआत। मार्च में महामारी की वापसी से डर, मुंबई और दिल्ली के बाद अब बिहार में भी कोरोना अलर्ट। हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी पर नीतीश सरकार का फोकस, मुख्यमंत्री ने डगमारा प्रोजेक्ट की समीक्षा की। बिहार के 2 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुजफ्फरपुर की अनामिका और मधुबनी के कमलकांत झा को मिला सम्मान। 16 से 21 अप्रैल तक किला मैदान में बक्सर के राम राम महोत्सव 2021 का होगा आयोजन। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद बिहार विद्यालय समिति ने एसटेट 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार ने यह बात पहले ही जानकारी दे दी थी कि शुक्रवार को एसटीटी का परिणाम घोषित किया जाएगा। शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन थोड़ी देरी के बाद रिजल्ट की घोषणा हुई। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग के विकास भवन स्थित सभागार से परिणाम की घोषणा की। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार विद्यालय समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर उपस्थित थे। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट www.bsebstet2019.in और biharboardonline.gov.in पर देख सकते हैं। बिहार बोर्ड ने एसटीटी 2019 के 15 में से 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 24,599 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एक साथ चुनाव होने वाला है। चुनाव की तैयारी अंतिम चरणों में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाने पर कर्मचारियों को कितने रुपए दिए जाएंगे, इसका आदेश जारी कर दिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव 2021 में प्रतिनियुक्त होने वाले पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने और मतदान मतगणना में कार्य करने के लिए प्रतिदिन 500 के हिसाब से भत्ता मिलेगा। विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक दरोगा और इंस्पेक्टर को 500 रुपये दिए जाएंगे। विभाग ने बताया कि इन अधिकारियों का प्रशिक्षण अधिकतम 3 दिन तक चलेगा। ASI और मतदान अधिकारी को 375 रुपये, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को 250 रुपये, सरकारी चालक को 375 रुपये और मतगणना सहायक को 375 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलेगा। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। अगर आप पटना में जमीन खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर आपको और जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी हां, पटना जिले में अब जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। मुख्य मार्गों पर सर्किल रेट में 50% और लिंक रोड में 25-30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। किस इलाके में कितना सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 12 टीमें सर्वेक्षण कर रही है। 25 मार्च तक सर्वेक्षण पूरा होने की संभावना है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि अगर सर्वेक्षण रिपोर्ट 31 मार्च के पहले राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति मिल जाएगी तो नया सर्किल रेट 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। व्यवसायिक मुख्य, केवल व्यवसायिक, टाल, कृषि, आवासीय मुख्य और आवासीय सहायक सड़कों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि इससे पहले 31 जनवरी 2016 को सर्वेक्षण किया गया था, जिससे भूमि का सर्किल रेट पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक कर दिया गया था। 1 फरवरी 2016 से 31 मार्च 2017 के लिए नई दर लागू की गई थी। फिर 4 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाई के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। राज्य चुनाव आयोग के लिए EVM की अनुपलब्धता पंचायत चुनाव के लिए एक बड़ा संकट बनते जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच EVM की खरीदारी को लेकर
चल रहा विवाद खत्म नहीं हो पाया है। इस मामले पर पटना हाईकोर्ट ने भी सुनवाई नहीं की है, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग को आपसी सहमति से ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी संबंधी विवाद को सुलझाने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कोई अन्य उपाय कर मामले का निपटारा जल्द करने का सुझाव भी दिया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही साथ राज्य सरकार के महाधिवक्ता को इस केस में हाजिर होकर कोर्ट को सहयोग करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने आदेश की एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजने का भी निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन को दिया है। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। अब बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान में लगातार देरी हो रही है। दरअसल ईवीएम की खरीद को लेकर चुनाव आयोग से राज्य निर्वाचन आयोग को एनओसी नहीं मिला है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद ईवीएम खरीद के लिए चुनाव आयोग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। पटना के लोगों के लिए अब राहत भरी खबर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम करने का फैसला लिया है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोग अब वातानुकूलित व प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बस से आसानी से यात्रा कर सकेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने जानकारी देते हुए कहा है कि निगम ने पटना में चलने वाले इलेक्ट्रिक बसों का किराया कम करने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रिक बस से यात्रा करने वाले लोगों को अब न्यूनतम किराया ₹10 ही देने होंगे। पहले इस बस का न्यूनतम किराया ₹20 और अधिकतम किराया ₹50 था, लेकिन न्यूनतम किराया ₹10 किए जाने से पटना में लोकल सफ़र करने वाले लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा। ऐसे में अब पटना में रहने वाले लोग 5 किलोमीटर की दूरी सिर्फ ₹10 में तय कर सकेंगे। गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक ऑटो के बराबर ₹10 किराया देना होगा। जी हां, अब बिहार में गांव के उपभोक्ताओं को ₹10 में एलईडी बल्ब मिलेगा। 15 मार्च से ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार के सभी गांव में ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को ₹10 में एलईडी बल्ब मिलने लगेगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह 15 मार्च को भोजपुर जिले से करेंगे। इस योजना के तहत हर उपभोक्ताओं को 9 और 12 वाट के 5 LED बल्ब ₹10 की दर से दिए जाएंगे। इस योजना के पहले चरण में भोजपुर के उपभोक्ताओं को करीब 25 लाख एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। बीते साल मार्च महीने में कोरोना महामारी ने देश के अंदर अपना पांव फैलाया था और अब एक बार फिर से किसी मार्च महीने में महामारी ने वापसी के संकेत देकर लोगों को खौफ ज़दा कर दिया है। मुंबई और दिल्ली के बाद अब लोगों को बिहार में भी कोरोना की वापसी का डर सताने लगा है। महाराष्ट्र और दिल्ली के आंकड़े जहां लोगों को डरा रहे हैं, वहीं बिहार में भी अचानक से कई जिलों में कोरोना के नए केस मिलने लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक से कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। यह बीते 2 महीने में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 14,317 नए मरीज मिले हैं, जो इस साल में सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नागपुर में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कई अन्य इलाकों में भी लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। ऊर्जा विभाग के इस प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी उपयोगी है। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस ने डगमारा प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, जो सुपौल जिले के अंतर्गत कोसी बराज से नीचे और कोसी महासेतु से ऊपर बनाया जाएगा। इसे लेकर विशेषज्ञों ने डिजाइन भी तैयार कर लिया है। डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने से बिजली के निर्माण के अलावे कई फायदे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी उपयोगी है। हमें तटबंध के आसपास रहने वाले लोगों की सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। वहीं मुख्य बांधों की मजबूती और सुरक्षा के प्रति भी अलर्ट रहना होगा। साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी है। बिहार की हिंदी कवयित्री अनामिका और मैथिली रचनाकार कमलकांत झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कवयित्री अनामिका को यह सम्मान उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया है, जबकि प्रसिद्ध साहित्यकार कमलकांत झा को पुरस्कार मिला है। अनामिका और कमलकांत झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं दी है।
नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदी कवियत्री अनामिका और मैथिली रचनाकार कमलकांत झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बिहार की बेटी को हिंदी का सर्वोच्च सम्मान मिलना आधी आबादी को प्रेरणा प्रदान करेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले दोनों रचनाकारों की उपलब्धि संपूर्ण बिहारवासियों को आप पर गर्व है। बक्सर के किला मैदान में बक्सर के राम राम महोत्सव 2021 का आयोजन होगा। 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक यह कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग शामिल होंगे। रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक में राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित, बालकथा वाचक शशि शेखर, आधुनिक रामलीला की जानी मानी कथक नृत्यांगना रेखा मेहरा समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। वहीं इस महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कई लोग पहुंचेंगे। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परेशान लोगों में उत्साह और उमंग का संचार करने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।